वाई टू डू एमबीए, मैं एमबीए क्यों करूं? वेल गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार क्लासरूम में दे चुका हूं, काउंसलिंग के दौरान दे चुका हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे होंगे. तो लेट मी गिव यू अनदर रीजन और अ वीडियो अबाउट व्हाई टू डू एमबीए. सबसे पहली चीज, पैसा. यस, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया. आपने गाना सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ. एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गेज्ड इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है. अनफॉर्चुनेटली हर कोई तो IIT नहीं जाता, या हर कोई निटी तो नहीं जाता, या कोई टॉप नॉच कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं करता, तो आपको उस टाइप का जॉब नहीं मिलता, या जॉब अपॉर्चुनिटीज कम रहते हैं. यू वोंट बी गिवन अ चांस टू टेक डिसीजंस, और सैलरी भी नहीं रहता. काम रहता है 3 गुना और सैलरी रहती है आधी. नाउ MBA गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन मैनेजमेंट. MBA also gives you option to do many things. For example, मैंने finance से graduation किया लेकिन मैं human resource में जाना चाहता हूँ. मैंने arts से किया लेकिन मैं operations में जाना चाहता हूँ. मैं science का student हूँ, मैं finance में अपना career देखना चाहता हूँ. तो MBA आपको वो opportunities देता है. और बात करो पहले वाली point कि पैसे की. आपको पता है guys कि अगर आप एक decent college से MBA करते हैं, right? Let's say if you are doing MBA from a B grade college, not even A grade college, still your earning potential increases by at least 50-70%. यानी कि अगर कोई 20,000 कमाने वाला था ग्रेजुएशन के दम पर मिनिमम और एवरेज या मैक्सिमम, अब MBA करके कम से कम वो 35,000-40,000 कमा लेगा, या 30,000 तो कहीं नहीं गए, थोड़ा बहुत तो कैलिबर आप पे भी होता ही है. सो MBA does that. सबसे बड़ा रीजन होता है MBA करने का, वो होता है नेटवर्किंग का, राइट? नाउ व्हेन यू डू MBA यू विल बी स्टडिंग विद मैनी पीपल एंड दे आर गोइंग टू बी मैनेजर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जांपल, मैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करने के लिए गया आफ्टर डूइंग MBA, बट मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ रहा था, उसने एक्सेंचर नाम की कंपनी ज्वाइन की, और एक दोस्त हमारा चला गया लार्सन एंड टूब्रो में. आफ्टर 1 ईयर वी डिसाइडेड टू गेट इन टच विद ईच अदर. ऑफकोर्स वी आर इन टच विद ईच अदर, बट वी वेंट फॉर अ लंच और डिनर, और लार्सन एंड टूब्रो वाले दोस्त ने बोला, यार हमारी कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, एंड ऑफकोर्स नाउ यू गाइज हैव एक्सपीरियंस, यू गाइज कैन बी इन माई ऑर्गेनाइजेशन, एंड येस नाउ आई एम इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास 1 ईयर, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैं जो एंट्री है वो थोड़ी आसान करवा दूंगा. सो इट इज ऑल्सो अबाउट नेटवर्किंग. एक और रीज़न है कि आपको MBA क्यों करना चाहिए, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है, ग्रूम्स यू एज अ पर्सन. MBA मेक्स यू अ पर्सन हु इज़ रेडी फॉर बीइंग अ मैनेजर, और अ पर्सन हु इज़ रेडी टू टेक चैलेंजेस बाय टेकिंग राइट डिसीजंस, एंड नॉट जस्ट टेकिंग द चैलेंजेस बट ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस बाय टेकिंग द राइट डिसीजन. इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू मैनेज थिंग्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन. और सबसे बड़ा रीजन अपार्ट फ्रॉम पैसा इज दैट यू गाइज कैन गो फॉर अ स्टार्टअप. लेट से मैं और मेरे दोस्तों ने MBA किया, हमने 4-5 साल जॉब किया, एक्सपीरियंस लिया इंडस्ट्री का, वी गॉट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, वी ऑल्सो गॉट टू नो द क्लाइंट्स, एंड वी स्टार्टेड आर ओन वेंचर. स्टार्टअप कल्चर, राइट गाइज? नॉट जस्ट यू विल नॉट मेक मनी and opportunities for yourself, but you will also provide opportunities to others, and of course Make in India or Startup India to initiatives chal hi rahe hain. So these are the reasons why you must do MBA, but top pe jo mera manna hai wo hai aapka money, guys. It increases your earning potential way over. Kisi acche top notch college se MBA karoge to sirf jo tumhari jo summer internship ki jo stipend hogi wo log kabhi kabhi logon ki pure saal ki पैकेज से ज़्यादा रहती है. गाइज, दीज आर फ्यू रीजन्स वाई यू मस्ट डू MBA. और अगर अभी भी आपको कोई और डाउट है कि MBA कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस. वी आर एट थाने मुंबई, एंड वी आर इन पुणे ऑन एट फर्ग्यूसन कॉलेज रोड. यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस. आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू गाइज.